बच्चों नमस्ते, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको जो मैंने पहले पाठ पढ़ाया था उससे आगे का अब मैं आपको पार्ट टू पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सा पार्ट था हमारा? लाख की चूड़ियाँ। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कह रहा है, वैसे तो वह जो बदलू मनिहार था उसके यहाँ रोजाना ही जाता था, लेकिन क्या करता था, जब वो जाता था रोज ही 2-4 आम उसके यहाँ पर खाता था, क्योंकि उसके यहाँ जो था आम का पेड़ था। इन सब बातों के अलावा वो मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह उसे लाख की 2 गोलियां, 1 या 2 गोलियां रोजाना उसे बनाकर दे देता था। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-2 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। गांव के अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब तक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर में ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान वो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक कह रहा है, वैसे तो वह हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-2 महीने रहकर जब उसका स्कूल खुलता था तो वो वहाँ से वापस आ जाता था। तभी थोड़े दिन बाद ही जो लेखक था उसके पिता का जो बदली, किसे कहते हैं, जिसे हम ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, एक जगह से बदली मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है, बदली का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव, लंबी अवधि मतलब लंबी अवधि काफ़ी समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। और 8-10 वर्षों के बाद जब वह गया तो वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे बदलू का ध्यान ही नहीं रहा कि मतलब कोई बचपन में बदलू नाम का कोई मनिहार था और वो मुझे जो था छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था, मैं उसके पास जाकर आम खाता था और वह मुझे अपनी मछिया पे बैठाता था, मतलब उसे सब कुछ भूल गया, उसे कुछ भी ध्यान नहीं आया। क्या फिर क्या, और अब इसलिए वह ध्यान नहीं था क्योंकि उसी लाख की चूड़िया को खेलने का जो समय था वो जो था लगभग निकल चुका था। इस बीच क्या था, उसने देखा कि गांव की जो औरतें हैं वो लाख की जगह क्या पहने हुए हैं, कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। एक हाथों के हाथ में उसने मतलब एक आध औरत के हाथ में ही उसने जो थी लाख की चूड़ियां देखी। तभी उसे जो था बदलू का ध्यान आ गया। एक दिन क्या हुआ, बरसात के दिन थे और जो लेखक की मामा की लड़की थी वो फिसल कर जो थी आंगन में गिर गई और कांच की जो चूड़ी टूटी और उसकी कलाई में घुस गई और उसके हाथ से जो था खून बहने लगा। उसके मामा भी घर पर नहीं थे, उसे ही लेखक को ही उस लड़की की मरहम पट्टी कराने के लिए, दवा दारू दिलाने के लिए जाना पड़ा।
तभी उसे क्या हुआ, एकदम जो था बदलू का ध्यान आ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाऊं और बदलू काका से मिलकर आऊं। वो जो था काम हुई और घूमने के लिए जब घर से निकला तो वो जो था बदलू से मिलने के लिए गया। बदलू था क्या था, वह वही चबूतरे पर जो पहले चबूतरा था उसी पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। बच्चों अब इससे आगे का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत चित्र उतार रहा हो। पर तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ना हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कह रहा है लेखक जो था बदलू काका के पास पहुंचा, उसने कहा नमस्ते बदलू काका। काका ने जो था नमस्ते का उत्तर दिया और जो था जो खाट पर लेटे हुए थे बदलू काका वो उठकर बैठ गए और काफ़ी देर तक उन्हें पहचानने की कोशिश करने के लिए उन्हें देखते रहे। काफ़ी देर तक देखा लेकिन वो उसको नहीं पहचान पाए। उसने कहा जनार्दन काका, मैं हूँ जो जिसे आप बचपन में जो थे छोटी छोटी लाख की गोलियाँ बनाकर देते थे। क्या हुआ, लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार से उन्हें दिया। बदलू जो था वो जो था चुप हो गया और जो था अपने दिमाग में जो था उसका चित्र बनाने लगा कि ये मेरे पास आता था, मैं इनको गोलियां देता था। तब उसको एकदम उसको ध्यान आया और उसने कहा, आओ लल्ला बैठ जाओ, बहुत दिनों बाद आए हो गाँव में, कैसे आना हुआ। तो उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपके पास आने की, लेकिन मैं नहीं आ सका। और उसने मुझे चारपाई पर बैठते हुए मैंने जो था उसने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया और मैंने ये उत्तर जो था उसे बैठे बैठे ही दिया। कुछ देर बच्चों अगला पैराग्राफ है। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनी हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर जो था फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो बच्चों उसने काफ़ी देर तो जो था बदलू और जो लेखक थे वो दोनों शांत रहे, वहाँ कुछ बोले नहीं आपस में, तो वहाँ पर ज्योति शांति रही। उसने ज्योति लेखक ने दूर तक मतलब दृष्टि अपनी आंखों से इधर उधर देखा तो ना तो वहाँ पर उसे मछिया नजर आई। मछिया जो चकोर खाट पीढ़ा था जिस पर वो लेखक को बैठने के लिए कहता था और खुद भी बैठता था उस पर, वो भी नहीं दिखी और ना ही बदलू काका की ज्योति भट्टी दिखी। उसने कहा, लेखक ने कहा कि काका क्या आजकल आप काम नहीं करते। तो उसने उन्होंने काका ने उत्तर दिया कि मेरा काम तो बहुत सालों से बंद है, क्योंकि अब जो है लाख की चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है, गांव-गांव में सभी लोग सभी स्त्रियां जो हैं कांच की चूड़ी पहनती है और कांच का ही प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला क्या है, कुछ देर तो जो बदलू काका थे वो चुप रहे और फिर क्या बोले कि बेटा आजकल सबका ये जो है युग है, ये जो समय है ये काय का है, मशीन का है बेटा, यहाँ तो सब काम जो है मशीन से ही होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, सभी काम मशीन से हो रहा है, तो फिर कांच की चूड़ियों में सुंदरता हो तो होती है, तो लाख की चूड़ियों में नहीं हो सकती। कांच की चूड़ियाँ सुंदर तरीके से बनाई जा सकती हैं लेकिन लाख की चूड़ियाँ सुंदर तरीके से नहीं बनाई जा सकती। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक, अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था।
उसके हाथों पर और माथों पर नसें उभर आई थी। क्या हुआ? कह रहे हो कि कांच जो है वो खतरनाक तो होता ही है, खतरनाक इसलिए होता है कि चुभ जाए तो खून आने लगता है, चोट लग जाती है और जल्दी टूट भी जाता है और बहुत नाजुक होता है। कहते कहते जो था बदलू काका जो थे वो उनको जो थे खांसी आ गई, तो लेखक ने सोचा उन्हें दमा है और अवस्था के अवस्था मतलब उम्र के अवस्था होती है, अवस्था माने होता है बच्चों उम्र, उम्र के साथ साथ जो था उनका शरीर भी जो क्या हो गया था ढल गया था, मतलब बुढ़े हो गए थे और उनके और हाथों में और माथों में जो बुढ़ापे में जो नसें हो जाती हैं और खाल सिकुड़ जाती है इस तरीके की हो गई थी। अब आगे पैराग्राफ देखेंगे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने दो महीनों में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसने उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन के युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात के विषय बदलते हुए पूछा। जो बदलू थे काका थे वो जो लेखक जैसे समझ रहा था कहीं इन्हें दमा की या सांस की बीमारी तो नहीं है, तो जो थी उसने बदलू काका ने ये बात समझ ली और बोला बेटा ये दमा वाली खांसी नहीं है, ये फसली मतलब मौसम वाली खांसी है, एक दो महीने में आ रही एक दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या है, बदलू को जब देख रहे हैं लेखक तो वो उसे देखकर उन्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई व्यथा, व्यथा माने होती है कोई ना कोई परेशानी, बच्चों व्यथा माने क्या होती है परेशानी, कि कोई ना कोई परेशानी जो है इनके अंदर छुपी हुई है। बहुत देर तक सोचता रहा मैं कि ये जो मशीन का युग है जिसमें सब काम मशीनों से हो रहे हैं, इसने जने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, मतलब कितने लोगों को बेरोजगार, हाथ कट जाना मतलब कितने लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर शांति रही और जो कुछ देर शांत रहे लेखक फिर बोला, अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने तहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ठीक है, अब जो थी अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि वो जो था उसका मन बहलाने के लिए, किसका, बदलू का ध्यान जो है विपरीत करने के लिए उसने पूछा लेखक ने कि काका तुम्हारी जो आम की फसल है वो कैसी है, मैं उसके विषय में मतलब बदलते हुए बात को, मतलब बात बदल कर उसने आम के फसल के बारे में पूछा। तो कह रहे हैं बदलू काका कि फसल तो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत ज़ोर से उत्तर दिया क्योंकि उस साल आम की फसल बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने बहुत चहक कर उत्तर दिया और अंदर से मतलब बाहर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि रज्जो लल्ला के लिए आम तो लिया। मैंने कहा एक वो जो थे बदलू काका कहने लगे मुखातिब होकर बोले कि माफ़ करना लल्ला, मुझे मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया, मैंने मतलब बातों में इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं तुम्हारे वो आम खिलाना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं, मैं तो कहने लगे बदलू काका मैं तुम्हें ऐसे आम खाए बिगर नहीं जाने दूंगा। अगला पैराग्राफ देखेंगे। मैं चुप हो गया, मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक वक्त में खा जाता था।
लेखक चुप हो गया। उसे वो दिन याद आए जब वो बदलू काका उसके लिए मलाई बचा कर रखते थे। अब वो पूछने लगा, मलाई की ध्यान करके उसको अब उस काका की गाय भी याद आ गई। तो उसने कहा कि काका वह गाय, आपकी गाय तो अच्छी है ना। तो उन्होंने कहा, कहाँ है गाय, कहाँ है मेरे पास, मैंने तो 2 साल पहले उसको बेच दिया, कहाँ से खिलाता। क्योंकि जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया और लाख की चूड़ियाँ बनना बंद हो गया, तो जो लेखक का था वो बनना बंद, लाख की चूड़ियाँ बनना बंद हो गया, तो बदलू काका का जो था काम भी बंद हो गया। इतने में ही उनकी लड़की जो थी अंदर से टोकरी में बहुत सारे आम ले आई। इस पर लेखक बोला, क्या कहते हैं, मैं इतने आम नहीं खा पाऊँगा। तो वो जो थे बदलू काका बोले कि तुम तो शहर के रहने वाले हो, इसलिए मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौक में आम खा जाता था। अब आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखे देखें लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। बदलू ने लेखक ने कहा, भी आप लोगों की बात तो और है, आप लोग गांव के हैं, आप ज़्यादा आम खा सकते हैं, मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं ज़्यादा आम नहीं खा पाता। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि इन्हें 2-4 आम छांट कर ला दो, सिंदूरी वाले लाना। यह पेड़ जो था है, जो मतलब जो सिंदूरी आम काका उसे दे रहे हैं, वो इसी साल तैयार हुआ है और इसी बार उसने फल दिए हैं। रज्जो ने 4-5 आम जो थे उसे दे दिए और आम उनने जो था लेखक की तरफ जो आम देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसकी जो थी लेखक की जो निगाह थी उसके हाथों पर रुक गई, क्योंकि उसकी कलाइयों में जो थी लाख की गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ी बनाया था, जो जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझे पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। बदलू ने जो था लेखक की तरफ देख लिया, क्या देख लिया कि मतलब वह मेरी लाख की चूड़ियों को अभी भी पसंद कर रहा है, अभी भी देख रहा है। तो वो कह रहा है कि यह मैंने जो था यही जो जोड़ा मेरी लड़की ने हाथ में पहना है, यही मैंने आखिरी जोड़ा लाख का बनाया था। कब बनाया था, जब जमींदार साहब की बेटी की शादी थी। वह मुझको क्या दे रहे थे, 10 आने पैसे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और मैंने क्या कहा कि जाकर जोड़ा शहर से ले आओ। लेखक ने अब जो लड़की आम दे रही थी वो ले लिए और उसने प्रसन्नता उसे ये चाह और उसके थोड़ी देर पश्चात वो वहाँ से थोड़ी देर बाद वो वहाँ से आम लेने के थोड़ी देर बाद ही लेखक वहाँ से चला गया। लेखक को बहुत खुशी हो रही थी कि बदलू ने आज तक भी बदलू काका ने आज तक भी अपनी हार नहीं मानी है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका चरित्र, व्यक्तित्व क्या है, मतलब व्यक्तित्व का मतलब है यहाँ बच्चों चरित्र से, उनका चरित्र कहता था कांच की चूड़ियों की तरह था। क्या था, कांच की चूड़ियाँ, जैसी कांच की चूड़ियाँ होती हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट, ऐसा उनका चरित्र था। ऐसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूटने वाला बदलू काका का चरित्र नहीं था। बच्चों अब हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया है, अब इसके नोट्स हम आपको कल भेजेंगे। धन्यवाद।